जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वायर टीम अपनी ड्यूटी के साथ कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में महिलाओं की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण राजधानी में देखने को मिला, जहां गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल ले जाने के लिए साधन नहीं मिला तो निर्भया स्क्वायर टीम ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां जनाना अस्पताल प्रसूता ने यहां पर बेटी को जन्म दिया। वहीं इस पुनीत कार्य के लिए महिला और उसके परिजनों ने निर्भया स्क्वायर टीम के नोडल अधिकारी एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा का आभार जताया। वहीं एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने भी जनाना अस्पताल में भर्ती प्रसूता से मिलने वो पहुंची और कुशल क्षेम उनकी पूछी। इस दौरान प्रसूता और बच्चे के लिए कपड़े और आवश्यक चीजें उन्होंने भेंट की। निर्भया लगातार काम कर रही है गर्भवती महिलाओं के लिए, और इसी कड़ी के अंदर निर्भया शास्त्री नगर के नारिका नाके के जो क्षेत्र है उसके अंदर भी लगातार इसने संपर्क किया था। डोर टू डोर सर्वे जो कर रहे थे तो निर्भया ने आज तारा जी से संपर्क किया था। जब ये प्रेग्नेंट थी, गर्भवती महिला थी, तो उस समय इनको हमारे नंबर उन्होंने एक्सचेंज किए थे कि अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस शुभ दिन का मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास में कोई भी साधन नहीं है और इनको बहुत लेबर पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है और कभी भी डिलीवरी हो सकता है, तो हमको तुरंत आप वहाँ भिजवाओ क्योंकि कोई हमको वहाँ पर लेगा भी नहीं, लेगा हम करें क्या, हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। इस पर हम लोगों ने तुरंत गाड़ी की व्यवस्था कराई और गाड़ी की व्यवस्था कराने के बाद में इनको यहाँ पर लेके आए और जनाना हॉस्पिटल में इनको यहाँ पर एडमिट कराया। ऐसे बोल आपका वजह से खूब मेहरबानी हो गया हमारा, धन्यवाद है, धन्यवाद है, हम खूब शुक्रिया कर रहा हूँ। शुरू हो गया, अच्छा हुआ। मैडम ने किस प्रकार सहायता की आपकी? ये मेरा है दीदी का नाम से सुनीता बेबी भेजा था, इसलिए हमने बहुत मेहरबानी पाया, मिल गया।